बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करूं? यस। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? चलो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में क्या पढ़ना है देखो। ये हमारा एक सर्किल है, पूरा क्वाड्रेंट है, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। जैसे मैं अगर साइन थीटा के ग्राफ की बात करूं तो साइन थीटा की डोमेन क्या होती है? ऑल ऑफ यू टेल मी। पोलार। 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 पोलार, वेरी गुड। पोलार, वेरी गुड। तो अगर मैं साइन थीटा बराबर हाफ की बात करूं तो थीटा की कितनी वैल्यूज आएंगी? कितनी वैल्यूज आएंगी बताना। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, वेरी गुड, ठीक है। तो इनफाइनाइट वैल्यूज, वेरी गुड। अब बात हो रही है, एक बात होगी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की और एक बात होगी आपकी जनरल सॉल्यूशन की। एक होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होगा जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा की वो वैल्यू जो 0 से 2 पाई के बीच में होगी उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे यहाँ 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ये साइन थीटा हाफ दो बार हो रहा है, पाई बाई 6 पर और पाई पाई बाई 6। एक आएगा आपका पाई बाई 6 और एक आएगा आपका पाई पाई बाई 6। तो यानी कि थीटा की ये दो वैल्यू आपकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आएंगी। समझ में आ गया? इसके बाद की या इसके इसके पहले की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है जब तक हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सिंपल है? Yes. लेकिन लेकिन वैसे तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अगर कुछ मैं थीटा की वैल्यू एन के टर्म में लिख दूं, जैसे मान लो मैंने लिखा कहीं पर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सही नहीं है इसके लिए। मान लो मैंने 2n पाई प्लस पाई बाई 6 रखा, तो n को 0 रखूंगा तो पाई बाई 6 आएगा, 1 रखूंगा तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 आएगा, 2 रखूंगा तो कुछ और आएगा। तो ये मतलब ये क्या हो गया आपका? जनरल सॉल्यूशन हो गया कि मैं इसी एक सॉल्यूशन से ये सारी वैल्यू बता सकता हूँ जितनी भी इनफाइनाइट वैल्यूज है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन। और ये क्या है आपका? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। समझ में आ गया? यस यस सर। जब हम एन के टर्म में पूरा रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा और अदरवाइज वो क्या है हमारा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। सिंपल? यस। ठीक है, अब देखते हैं जैसे अलग अलग फंक्शंस के कुछ प्रिंसिपल सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये सुबह की क्लास जा रहा है। चलो खैर, तुम इतना लिख लो कि मैंने जो लिखा है फिर मैं बोर्ड को एक बार रब कर दूंगा, फिर दोबारा स्टार्ट करूंगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और जनरल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, बस ये लिख लो। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब थीटा की वो वैल्यू जो 0 से 2 पाई के बीच में हो जाएगी उसे बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल मतलब n के टर्म में लिख दो, जैसे 2n पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दिया मान लो, ये इसका नहीं है, जनरल लिख रहा हूं। तो n को 0 रखूंगा तो पाई बाई 6 आ जाएगा, 1 रख दूंगा तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 आ जाएगा। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस को एक सिंपल फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो दैट इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल 0 से 2 पाई के बीच में। सर लेकिन इससे 5 पाई बाय 6 कैसे आएगा जनरल वाले से? जनरल फॉर्मूला से। सर जो आपने फॉर्मूला लिखा है जनरल फॉर्मूला, अभी इसको भूल जाओ, इसमें जनरल फॉर्मूला लिया, अभी तुम इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अभी सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखो। 0 से 2 पाई के बीच में जो होता है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, ठीक है? ओके सर।
अभी क्लियर कर दूंगा सर। अब देखो जैसे मान लो मैं लिखता हूँ साइन थीटा बराबर हाफ, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ क्या क्या होगा। तो साइन थीटा पहले सर्किल में दो जगह पॉजिटिव होगा, फर्स्ट में दैट इज पाई बाई सिक्स, और सेकंड में तो वो हो जाएगा आपका पाई माइनस पाई बाई सिक्स यानी कि फाइव पाई बाई सिक्स। तो साइन थीटा बराबर हाफ के प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे पाई बाई सिक्स और फाइव पाई बाई सिक्स। अगर मैं बोलता हूँ साइन थीटा बराबर माइनस हाफ तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव होगा आपका थर्ड में और फोर्थ में। तो एक आएगा पाई प्लस पाई बाई सिक्स यानी कि सेवन पाई बाई सिक्स, और एक आएगा आपका टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स यानी कि इलेवन पाई बाई सिक्स। ये दो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है लिखो कॉस थीटा बराबर हाफ के प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ। सर एक बार और बता दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हाँ जी सर पाई बाय थ्री एंड एक तो आएगा पाई बाय थ्री। वेरी गुड। कॉस थीटा, कॉस थीटा आपका पहला और फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट में होगा आपका 60 डिग्री और फोर्थ में होगा आपका 2 पाई माइनस 60, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि 5 पाई बाई 3। ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, कॉस थीटा बराबर माइनस हाफ का प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ। सर 2π/3 एंड 4π/3। अब देखो नेगेटिव कौन-कौन से में होगा, नेगेटिव होगा सेकंड में और फोर्थ में। तो हाफ सबसे पहले क्या करा करो ना, हाफ को देख लो कहां पर है। तो हाफ है 60 डिग्री पर। अब सेकंड और फोर्थ का 60 डिग्री मतलब एक हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि 2π/3, और एक हो जाएगा आपका पाई प्लस पाई बाई 3 यानी कि 4π/3। Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. Very good. Sir. ठीक है, ऊपर आगे बढ़े। Sir. हाँ जी। Sir, cos theta is equal to half का बता दीजिएगा principal solution कैसे? Cos theta half का होता है बताओ पहले। Half होता है 60 degree पर। तो मैंने लिखा 60 degree ये रहा। अब half positive fourth quadrant में भी होता है, first में positive होता है, fourth में, second और third में negative होता है। फोर्थ का लिख दिया 2π-π/3 यानी कि 5π/3। ओके सर। ठीक है? यस सर। ठीक है। सर डन। ठीक है, अब करो जरा तुम और करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। sec theta is minus root 2, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो। So 3π/4 or 5π/4? Yes sir. Yes sir. देखो sec theta minus root 2 मतलब cos theta हो गया minus 1/√2। तो cos theta आपका negative होगा इसमें। तो पहले देख लो 1/√2, तो 1/√2 होता है pi by 4 पर। तो negative तो second या fourth, तो एक हो गया आपका pi minus pi by 4 यानी कि 3π/4, और एक हो गया आपका pi plus pi by 4 यानी कि 5π/4। सिंपल है? यस सर। यस सर। ठीक है,
और देखो एक दो क्वेश्चन और कर लो. टेन टेन थीटा बराबर माइनस रूट थ्री करो. सर 2π/3 और 5π/3. पहले देख लो टेन थीटा रूट थ्री कहाँ पर होता है, 60 डिग्री पर, पाई बाई थ्री पर. अब नेगेटिव है तो टेन थीटा नेगेटिव होता है आपका सेकंड में और फोर्थ में, तो एक हो जाएगा आपका पाई माइनस पाई बाई थ्री यानी कि 2π/3, और एक हो जाएगा आपका 2π-π/3 यानी कि 5π/3. सबको क्लियर हो गया है सर? यस सर. गुड. हाँ जी सर. cos theta is equal to 1 upon root 2 minus वाला सर वो एक बार समझा दीजिए. cos theta 1 upon root 2 कब होता है सर? 45 डिग्री. अब हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है cos theta सर? सेकंड और थर्ड. सेकंड और थर्ड, तो एक हो गया पाई माइनस पाई बाई थ्री सेकंड हो गया, और पाई प्लस पाई बाई थ्री थर्ड हो गया. ठीक है, पाई माइनस समथिंग सेकंड, पाई प्लस समथिंग थर्ड. सर अभी समझ नहीं आया. अरे ये पाई बाई थ्री पे होता है कॉस थीटा वन बाई सॉरी पाई बाई फोर पे होता है कॉस थीटा वन बाई रूट टू. यस सर. अब नेगेटिव की बात हो रही है तो कॉस थीटा नेगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड में. Yes, तो एक बार हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई फोर ये वाला, और थर्ड को लिखने के लिए लिखूंगा पाई प्लस पाई बाई फोर. तो पाई माइनस पाई बाई फोर हो गया 3π/4, पाई प्लस पाई बाई फोर हो गया 5π/4. ओके ठीक है. चलो एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो फिर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा. करना जरा. cot theta is माइनस रूट थ्री, यही कर लो. चलो तो 5π/6 और 11π/6. यस ठीक है ठीक है. तुम भी करो, तुमने अभी जो डाउट पूछा था बेटा तुम करके बताओ पहले. देखते हैं cot theta root 3 कहाँ पर होता है. root 3 cot theta root 3 मतलब आपका हो गया 30 डिग्री या 60 डिग्री? 30 डिग्री. ठीक है. अब cot theta नेगेटिव, तो यानी कि सेकंड में या फोर्थ में, तो पाई माइनस पाई बाई सिक्स सेकंड का आ गया 5π/6, और 2π-π/6 फोर्थ का आ गया 11π/6. ये तो सिंपल सी बात थी, बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी, राइट? यस सर. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. देखो ये हो गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन. अब हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की. तो जनरलाइज सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, लेट्स सी नाउ. सबसे पहले एंड वैल्यूज की बात करूंगा. सबसे पहले बात कर रहा हूँ साइन थीटा जीरो. साइन थीटा जीरो कब होता है बताओ? जीरो पर, पाई पर, टू पाई पर, थ्री पाई पर, फोर पाई पर, फाइव पाई पर, ऐसा होता है नहीं होता? यस सर. इस वाले पॉइंट को मैं वैसे 2n पाई लिख सकता हूँ क्योंकि ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई दिख रहा है मुझे.
जीरो, टू पाई, फोर पाई, एन को वन पुट करूंगा जीरो, टू पुट करूंगा सॉरी एन को जीरो पुट करूंगा जीरो, वन पुट करूंगा टू, टू पुट करूंगा फोर, और ये है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जिसको मैं टू एन प्लस वन या टू एन माइनस वन कुछ भी लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एन को जीरो पुट करूंगा पाई आएगा, वन पुट करूंगा थ्री पाई आएगा, ऐसे चलता रहेगा, टू पुट करूंगा फाइव पाई आएगा। गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस सर। तो साइन थीटा जीरो तक होगा, जीरो पर, पाई पर, टू पाई पर, थ्री पाई पर, तो साइन थीटा जीरो होगा, तो थीटा बराबर क्या? एन पाई, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसको मैं बोल रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन, एन पाई अपने आप सारी वैल्यू कंसीडर करेगा, एन को मैं जीरो पुट करूंगा जीरो आ जाएगा, वन पुट करूंगा अगला इंटीजर पाई आ जाएगा, टू पुट करूंगा टू पाई आ जाएगा, नेगेटिव में पुट करूंगा तो माइनस पाई माइनस टू पाई, वहां सभी जगह भी साइन थीटा जीरो होता है। तो साइन थीटा बराबर जीरो का जनरल सॉल्यूशन समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो ये है आपका जनरल सॉल्यूशन। अब इसका तुम खुद बताओ कॉस थीटा बराबर जीरो का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? कॉस थीटा इस वाली लाइन पे जीरो होता है? एन पाई बाय टू। नहीं, n पाई बाय 2 में n को 2 रख दूंगा तो पाई नहीं आ जाएगा सर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल तो पाई आ जाएगा। क्या 2n + 1 पाई बाय 2? वेरी गुड, 2n + 1 पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, ये सारे इसी लाइन पे आएंगे। तो एनी ऑड नंबर विल बी रिटन एज 2n + 1 and any even number will be written as 2n, odd number will be written as 2n plus 1, even number will be written as 2n, this is how it is. समझ में आ गया? ओके सर। अब है अगला tan theta बराबर 0, तो tan theta 0 कब होगा बताओ? 0 सर, n pi पर, n pi पर, n pi, n pi हो गया? यस सर। ठीक है, और देखते हैं साइन थीटा बराबर 1 बताओ सर। 4n + 1 पाई बाय 2। यस, एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है साइन थीटा और नीचे माइनस 1 होता है, तो सबसे अच्छा तरीका है थीटा इज 2n पाई प्लस पाई बाय 2, क्योंकि ये वाला पॉइंट 2n पाई का है, इसमें पाई बाय 2 ऐड कर दो, पहुंच गए वहां पर। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। तो यानी कि ये हो गया आपका, इसको अगर मैं एलसीएम ले लूं तो इसको हम 4n + 1 पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, जो भी इस बच्चे ने आंसर दिया था। तो n को 0 पुट करेंगे तो पाई बाय 2 आएगा, n को 1 पुट करेंगे तो 4 + 1 5 पाई बाय 2 आएगा, ऑटोमेटिकली ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो दिस मच यू वांट टू राइट फर्स्ट, यहां तक का लिखना है। ये चलो अभी एक और कर लेते हैं, साइन थीटा माइनस 1 भी कर लेते हैं, ये फोर्थ पॉइंट था तो ये फिफ्थ हो गया। साइन थीटा माइनस 1 नीचे होगा यहाँ पर? यस, 4n माइनस 1। तो थीटा, ये थीटा विल बी 2n पाई माइनस पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू एन इंटीजर, तो आई कैन राइट इट एज थीटा इज 4n माइनस 1 पाई बाय 2। कोई डाउट सर? डन सर। ठीक है, अब बताओ cos थीटा बराबर 1 का जनरल सॉल्यूशन। cos थीटा बराबर 1 2n पाई। बिल्कुल 2n पाई, क्योंकि cos थीटा तो यहां पर 1 होता है इस जगह और यहां होता है माइनस 1, तो ये होगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई और ये वाला पॉइंट होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो थीटा बराबर 2n पाई, n बिलोंग्स टू एन इंटीजर, और cos थीटा माइनस 1 कहां पर होगा बताओ? टू एन प्लस वन पाई। बिल्कुल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है ना।
यस सर ठीक है। एक बात एक और चीज बताता हूँ तुम्हें, जैसे कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन आता है ना, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, कभी भी अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करने। अननेसेसरी मतलब कभी भी मनाया स्क्वायर कर दिया, मनाया रूट ले लिया, वो गलत हो जाता है बेटा। जैसे कुछ बच्चे क्या करेंगे, मान लो इसका स्क्वायर कर दिया, हालांकि यहाँ पे नहीं करेंगे बट अगर कर दिया, और कुछ बच्चे गलती से फिर ये कर देंगे प्लस माइनस वन, तो देखो उस केस में बच्चा साइन थीटा बराबर वन का भी सॉल्यूशन निकाल देगा और माइनस वन का भी, जबकि उसने सिर्फ साइन थीटा वन पूछा है, तो गलत हो जाएगा या नहीं? यस यस सर। तो ये सब काम नहीं करने हैं, हमें कैलकुलेशन अवॉइड करने हैं, क्योंकि कैलकुलेशन से एक आध इधर उधर की वैल्यू हो जाती है, उसके वो सब नहीं करना है, वो मैं अभी तुम्हें क्वेश्चन में भी बताऊंगा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। अब बात करते हैं सबसे पहला फॉर्मूला साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन। हालांकि ये बहुत आसानी से मैं तुम्हें समझा देता हूँ, बट एनसीईआरटी के हिसाब से एक डेरिवेशन है, तो देख लो थोड़ा प्रैक्टिस ही हो जाएगी। साइन सी माइनस साइन डी बराबर जीरो। मैं तुम्हें बिना इसके बता रहा हूँ, पहले बिना डेरिवेशन के बता रहा हूँ। देखो साइन थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है बताओ? फर्स्ट और सेकंड। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो ऐसे जाऊंगा और यहाँ पर हूँ तो पीछे आऊंगा। तो यानी कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर पाई का इवन मल्टीपल है तो मैं प्लस अल्फा करूंगा, और पाई का ऑड मल्टीपल है तो मैं आपका माइनस अल्फा करूंगा। आई थिंक करेक्ट है। यस सर। तो मैंने लिखा थीटा इज एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा। अब अगर एन कोई इवन नंबर पुट करूंगा, सपोज टू, तो ये टू पाई और माइनस वन की पार इवन प्लस हो जाएगा, तो टू पाई प्लस अल्फा आ जाएगा। और एन कोई मैं ऑड नंबर पुट करूंगा सपोज थ्री, तो थ्री पाई माइनस अल्फा आ जाएगा। ऑटोमेटिकली आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। डेरिवेशन देख लेते हैं। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बोलो। सही लिखा है? यस सर। यस सर। अच्छा अब क्या आएगा यहाँ से? यहाँ से आएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई टू इज जीरो और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू इज जीरो। अब कॉस थीटा कब जीरो होगा? जब थीटा जो होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा। बोलो। यस सर। यस सर। और साइन थीटा कब जीरो होगा? जब थीटा आपका एन पाई होगा। यस सर। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये टू और टू क्रॉस, तो थीटा आएगा टू एन प्लस वन पाई माइनस अल्फा और एन पाई, सॉरी टू एन पाई प्लस अल्फा। यानी कि अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो प्लस अल्फा और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो माइनस अल्फा। तो जो मैंने फॉर्मूला अभी लिखा था राइट हैंड साइड में, वो जस्टिफाई हो रहा है नहीं हो रहा? यस सर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। अब इसका फायदा क्या हुआ यार, ये जनरल सॉल्यूशन लिख तो दिया। अब जनरल सॉल्यूशन की का ये फायदा हुआ, अगर कोई मेरे से पूछ रहा है भाई इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ, तो मैंने मुझे इसकी दो प्रिंसिपल वैल्यू पता है, पाई बाई सिक्स और फाइव पाई बाई सिक्स। तो मैं इसको साइन पाई बाई सिक्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस सर। यस सर। यस सर। तो मैं इसको जनरलाइज करूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा की जगह पाई बाई सिक्स लिख दिया, तो जितने भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है सारे आ जाएंगे। एन को जीरो पुट करूंगा तो पाई बाई सिक्स आ जाएगा, एन को वन पुट करूंगा तो दूसरा आ जाएगा, एन को टू पुट करूंगा तो तीसरा आ जाएगा। समझ में आ गया होगा सबको? यस सर। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि हम पाई बाई सिक्स और फाइव पाई बाई सिक्स में से कौन सा पुट करें। कोई भी पुट कर सकते हो अल्फा की जगह, कोई दिक्कत नहीं है, बेटर छोटे वाला रहता है, छोटी वैल्यू। बट अगर तुम दूसरा पुट करोगे कुछ नहीं है, वैल्यू वही आएंगी। हो सकता है एन वन पुट करने के बाद यहाँ से जो वैल्यू आए वहां पे एन टू पुट करने के बाद वो वैल्यू आ जाएगी, आएंगी सारी वैल्यू सेम सेम, है ना? यस सर। जस्ट राइट इट डाउन। सर एक बार और बता दो, समझ नहीं आ रहा क्या?
कौन से वाला पार्ट बताओ सर? ये फॉर्मूला वाला जनरल सर, एन पाई, ये वाला? यस सर। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा लिखा, जैसे इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है साइन थीटा बराबर हाफ का, तो इसको लिखो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा की जगह क्या आ गया आपका पाई बाई सिक्स, अल्फा की जगह क्या आ गया पाई बाई सिक्स। तो अब ये फॉर्मूला लगा दो, एन पाई प्लस माइनस वन टू दी पावर एन पाई बाई सिक्स। ये लिख लो, पूरा लिख लो, ये एक बार ढंग से हो जाएगा ना, और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अच्छे से हो रहा है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री? अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इन सब में तो कुछ लगना भी नहीं चाहिए तुम्हें, मेरे ख्याल से लगता भी नहीं होगा। यस सर, हो रहा है। ठीक है, जब ये लिख लो तो बता देना, मैं अगला फॉर्मूला डिस्कस करूंगा। डन सर। ठीक है, अबे आपका कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, डेरिवेशन जरूर करूंगा अभी मैं, तुम्हें सीख जाओगे, लेकिन देखो फिर से मैं इसको लॉजिकली बता रहा हूँ। कॉस थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है बताओ? फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि यहाँ से प्लस अल्फा भी चलेगा और यहाँ से माइनस अल्फा भी चलेगा, और ये वाला पॉइंट टू एन पाई होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो टू एन पाई प्लस अल्फा भी चलेगा और टू एन पाई माइनस अल्फा। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। फाइन इट इज, चाहे तो डिराइव कर लेने, तो आइडिया तो हमें लग ही गया, बात ही खत्म हो गई। कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा बराबर जीरो, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बताओ? माइनस टू साइन अल्फा प्लस, सही लिखा है मैंने? यस सर। साइन थीटा प्लस अल्फा बाय टू इज जीरो, और साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाय टू इज जीरो, दिस इज हाउ इट इज। नाउ थीटा प्लस अल्फा बाय टू इज एन पाई, और थीटा माइनस अल्फा बाय टू इज एन पाई, सिंपल। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट टू एन पाई माइनस अल्फा, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट टू एन पाई प्लस अल्फा। तो आई एम लेफ्ट विद द सेम जनरल सॉल्यूशन जो मैंने वैसे ही लॉजिकली बताया था तुम्हें, दैट इज थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। गेटिंग ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो जैसे हमें इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है cos थीटा बराबर हाफ का, तो यू राइट इट इन प्रिंसिपल वैल्यू फॉर्म, cos थीटा इज cos अल्फा, cos 60 लिख दो, है ना, छोटे वाला एंगल लिख देते हैं ना जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, तो थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर, राइट? यस सर। लिख लो, राइट इट डाउन। सर। हाँ जी बेटा। सर 5 पाई बाय 3 तो वैसे भी नहीं लिख सकते ना, क्योंकि थीटा तो 0 और 2 पाई के बीच में बिलोंग करता है। तो 5 पाई बाय 3 तो आएगा ना, 2 पाई से छोटा ही तो है, 5 पाई बाय 3 6 पाई बाय 3 बनेगा ना 2 पाई। यस ठीक है, वो जो हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना, वो आई 0 से 2 पाई के बीच में रहे ना। ओके सर। ठीक है, दिस मच यू हैव डन? ठीक है, अगला आगे बढ़े। ऑल ऑफ यू बताओ, सभी लोग बोल दो सर। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा वाला आपने का वो बता दो। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाला क्या, आगे बोलना क्या बोला? लॉजिकली आपने कैसे बताया था वो बता दीजिए। अच्छा ओके ओके,
मैंने ये बोला था कि भाई साइन थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ये देख लो, तो साइन थीटा पहले में और दूसरे में पॉजिटिव होता है, तो अगर मैं यहाँ आऊंगा तो मुझे प्लस अल्फा करना पड़ेगा, तो 2n पाई प्लस अल्फा करना पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ आऊंगा यानी कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होएगा तो मुझे माइनस अल्फा करना पड़ेगा, तभी तो मैं सेकंड में आऊंगा। अगर मैं यहाँ पे प्लस अल्फा कर दूंगा तो थर्ड में पहुंच जाऊंगा, यहाँ पे माइनस अल्फा कर दूंगा तो फोर्थ में हो जाएगा, यानी कि अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो प्लस अल्फा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो माइनस अल्फा, तो मैंने लिख दिया एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा, क्योंकि ये अब एन पे डिपेंड कर गया, तो एन अगर इवन होगा से टू तो टू पाई प्लस अल्फा, एन अगर ऑड होगा तो थ्री पाई माइनस अल्फा। ओके सर, क्योंकि एन अगर टू होगा तो माइनस वन का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो जब जब एन इवन होगा या प्लस चलेगा, जब जब एन ऑड होगा तो माइनस वन का पावर में ऑड करेंगे तो नेगेटिव होएगा, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस चलेगा, तो एन ऑड होएगा तो माइनस अल्फा, एन इवन होएगा तो प्लस अल्फा। ओके सर, सर इसपे सर हम थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई का क्यों लगाएंगे सर? सर ये तो हम जनरल सॉल्यूशंस निकालते हैं ना, वो तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए होता था। क्या बोल रहे हो सर? जैसे कि सर इसमें जो वो था आपने बताया कि थीटा इक्वल्स टू 0 टू 2 पाई होता है। हां बोलो सर। तो वो तो सर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए था, हम जनरल सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में फर्क क्या होगा पहले तुम ये बताओ। सर सॉल्यूशन तो नहीं है, बात ये कि है क्या बोलो, तभी तो मैं समझा पाऊंगा जब डिफरेंशिएट करोगे तभी तो बता। सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन में सर 0 टू 2 पाई में थीटा की वैल्यू होगी ना, और जनरल में बाकी बच्चों में से कोई बच्चा बताएगा ये जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है? यस सर, बोलना। सब प्रिंसिपल 0 से 2 पाई तक होते हैं और जो जनरल होता है वो इनफाइनाइट वैल्यूज को मतलब एक्चुअली यस, sin थीटा बराबर हाफ की बात करूंगा तो मेरी थीटा की इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी डॉट 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 डॉट, मैं लिख भी देता हूं कुछ वैल्यू, पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, फिर 2 पाई प्लस पाई बाई 6 आएगा 13 पाई बाई 6, फिर आएगा आपका 3 पाई माइनस पाई बाई 6, 17 पाई बाई 6, ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में सिर्फ मैंने 0 से 2 पाई के बीच की यानी कि ये दो वैल्यू ली हैं, जब मैं जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूँ तो मैंने ये लिखा, तो ये लिखने के बाद सीधे सीधे सारी वैल्यू आएंगी, एन को 0 पुट करूंगा तो ये आ गई, एन को 1 पुट करूंगा तो ये आ जाएगी, 2 पुट करूंगा तो ये आ जाएगी, 3 पुट करूंगा तो ये आ जाएगी, 4 पुट करूंगा तो कोई और आ जाएगी, नेगेटिव में पुट करूंगा तो इधर वाली वैल्यू भी आ जाएंगी, ये है जनरलाइज का मतलब। तो वैल्यू तो उसमें अल्फा की जगह तो 0 से 2 पाई के बीच की डालोगे ना। ओके सर, जिसका डाउट था वो बताएगा, अभी सही हो गया बेटा तुम्हारा? यस सर। ठीक है, अब अगला है आपका टेन थीटा इज टेन अल्फा, तो देखो इसको फिर से लॉजिकली देखो, टेन थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव है और थर्ड में पॉजिटिव है, तो यहां होंगे तब भी प्लस अल्फा, यहां होंगे तब भी प्लस अल्फा, बात सही है कि नहीं है? यस सर। यस सर। यस सर। तो यानी कि वो अब ये वाली लाइन पे बात कर रहा हूँ तो ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, कोई सा भी मल्टीपल ऑफ पाई हो ये आंसर आएगा, सही जा रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा, तो इसको लिख लो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा इक्वल्स टू जीरो, तो ये हो गया आपका साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू जीरो, यानी कि थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू एन पाई, यानी कि थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। डन? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है लिख लो, अब आगे बढ़ते हैं सर, अब मैं इसके क्वेश्चंस बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, साइन और कॉस में कन्वर्ट करा,
साइन थीटा कॉस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फिर फॉर्मूला बन गया वो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया। तो साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर जीरो, और साइन थीटा कब जीरो होता है, जब थीटा एन पाई होता है। तो थीटा माइनस एल्फा हो गया आपका एन पाई, तो थीटा हो गया आपका एन पाई प्लस एल्फा। सर एक बार और बता दीजिए, ये था ना देखो टेन थीटा बराबर टेन एल्फा है। यस सर। साइन और कॉस में कन्वर्ट करा। यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करा। यस सर। तो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आया। यस सर। ये फॉर्मूला है साइन ऑफ ए माइनस बी का। आइडेंटिटी लगा दी। यस। तो दैट इज इट इज जीरो। अब जीरो कब होता है साइन थीटा, जब थीटा आपका एन पाई होता है, पाई का मल्टीपल होता है। तो थीटा माइनस एल्फा इज एन पाई, तो थीटा इज एन पाई प्लस एल्फा। सही है? अब इसके क्वेश्चंस करेंगे जब हम जनरल सॉल्यूशन के। सबसे फर्स्ट टाइप, इसमें तीन टाइप है। पहला टाइप, पहले टाइप में कुछ भी बेसिक इक्वेशंस बेस्ड क्वेश्चंस होगा। बेसिक इक्वेशंस बेस्ड जो तुम्हारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, ऑब्वियसली जेई में थोड़े बेटर लेवल के होंगे, बट बेसिक इक्वेशंस बेस्ड। एक दो क्वेश्चन करोगे तो आइडिया आएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। मैं एक दो क्वेश्चन लिखता हूँ, लेट अस सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चन, और फिर हम देखते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है सबसे पहला टाइप, फर्स्ट टाइप है, इसको लिख लो हेडिंग बना के फर्स्ट टाइप। किसी मकसद से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि करना क्या है। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो ऑल ऑफ यू, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एज वेल एज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई। तो जनरल भी निकालो और 0 से 2 पाई के बीच के सॉल्यूशन भी निकालो। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें नो ट्रिक नथिंग, डायरेक्टली इक्वेशंस यू हैव टू सॉल्व एंड यू विल गेट द रिजल्ट। सर जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3।
हेलो स्टूडेंट्स, अभी थोड़ा वेट करना, सर को कनेक्ट कर रहे हैं। ओके मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक। बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। एक्चुअली कनेक्शन कनेक्शन टूट गया था। ठीक है, चलो कैरी ऑन करते हैं। ये इक्वेशन आ गई थी ना हमारी सर, स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा अच्छा अब आ रही है। नो सर। अब आ रही है? नो सर। यस सर। यस सर। आ गई। यस सर। ठीक है ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इस क्वाड्रेटिक को। तो ये आ जाएगा 4 cos² थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 6 cos थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 cos थीटा कॉमन आएगा, 2 cos थीटा प्लस 1 माइनस 3 into 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा आपका 2 cos थीटा प्लस 1 into 2 cos थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0, है ना? यस सर। तो यहाँ से आएगा cos थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ और cos थीटा इज 3/2। अब ये तो पॉसिबल होगा नहीं, तो cos थीटा माइनस हाफ। तो cos थीटा माइनस हाफ में पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ क्या क्या होंगे, बोलो। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो पाई बाई थ्री, तो पाई माइनस पाई बाई थ्री या पाई प्लस पाई बाई थ्री, तो 2π/3 और 4π/3 दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएंगे।
सही है? यस सर। यस सर। सर जो इक्वेशन मैंने उसमें प्लस फोर कॉस थीटा नहीं होना चाहिए, प्लस था क्या? वो चेक कर लो क्या, मैंने धोखे से लिख दिया हूँ। हाँ हाँ सही कह रहे हो, प्लस ही आएगा, प्लस आएगा तो फिर यहाँ माइनस टू हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो चेंज ये आ जाएगा कि यहाँ माइनस थ्री हो जाएगा है ना, और ये प्लस हाफ हो जाएगा। तो प्लस हाफ होने की वजह से थीटा पाई बाई थ्री और टू पाई माइनस पाई बाई थ्री फाइव पाई बाई थ्री आ जाएगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन होएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री है ना। यस यस सर। सबको समझ में आ गया होगा ये? यस सर। ठीक है गुड। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ साइन फाइव थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा इक्वल्स टू साइन नाइन थीटा इंटू कॉस सेवन थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई टू। इस इंटरवल में इसके जितने भी सॉल्यूशन हैं सारे लिखने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई योरसेल्फ। इंपरेटिव कुछ आया आंसर? इंफिनिटी। अरे नहीं नहीं बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट नहीं आएंगे। लेकिन बता दीजिए। देखो इसको दोनों तरफ पहले टू से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बनेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। सही जा रहा हूँ? यस सर। और इसकी यही फॉर्मूला बनेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आया आपका साइन एट थीटा एस टू साइन एट थीटा कॉस एट थीटा। तो उस साइड उसको ले गए तो टू साइन नॉट टू साइन सॉरी साइन एट थीटा कॉमन ले लेना, तो टू कॉस एट थीटा माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। आई थिंक यहाँ तक करेक्ट है? यस यस। अब लुक हियर, साइन एट थीटा इज जीरो और कॉस एट थीटा इज हाफ। पहले मैं इसका जनरल सॉल्यूशन लिख दूं, तो एट थीटा इज एन पाई और कॉस एट थीटा इज कॉस 60 डिग्री पाई बाई थ्री। बोलो। यस सर। थीटा आ जाएगा एन पाई बाई एट और यहाँ पर एट थीटा आ जाएगा टू एन पाई लिख दो या इंटीरियर बदल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से देखना जरा, थीटा आ गया एन पाई बाई एट और थीटा आ गया आपका टू एम पाई बाई एट यानी कि एम पाई बाई फोर प्लस माइनस पाई बाई ट्वेंटी फोर। तो मेरे पास ये दो सॉल्यूशन आ गए। कोई जनरल सॉल्यूशन बोलता है तो मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया, दैट्स इट है ना। अब ध्यान से देखना, अब मुझे आंसर लाना है जीरो से पाई बाई टू के बीच में कितने सॉल्यूशन है। थोड़ा आप ध्यान से देखना, फिर मैं इसको नीचे ऊपर कर दूंगा, वो कोई बात नहीं है।
सबसे पहले एन को जीरो पुट करो तो जीरो पे जीरो आएगा चलेगा, वन पुट करो पाई बाई एट आएगा चलेगा, क्योंकि मुझे पाई बाई टू तक जाना है, तो पाई बाई टू का मतलब मैं 16 पाई बाई एट तक जा सकता हूँ। समझ में आता है? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, नाइन होंगे, नाइन नाइन मैं कर रहा हूँ ना। देखो अगला एन को नेगेटिव तो पुट नहीं कर सकता क्योंकि जीरो से पाई बाई टू में नहीं आएगा, तो एन जीरो हो गया, एन वन हो गया। अब एन टू लिख दो तो पाई बाई फोर, थ्री लिख दो थ्री पाई बाई एट, फोर लिख दो फोर पाई बाई एट पाई बाई टू, वो भी चलेगा, यहाँ से भूल जाओ। अब एन को जीरो रख दो तो प्लस माइनस, तो प्लस वाला ले लो पाई बाई ट्वेंटी फोर, पाई बाई ट्वेंटी फोर उससे छोटा है ही, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एन को वन पुट करो तो पाई बाई फोर प्लस माइनस पाई बाई ट्वेंटी फोर, शायद दोनों चल जाएंगे। एन को टू पुट कर दो तो पाई बाई टू प्लस माइनस पाई बाई ट्वेंटी फोर, अब यहाँ देखना जरा पाई बाई ट्वेंटी फोर चलेगा, ये कितना हो जाएगा पाई बाई फोर प्लस पाई बाई ट्वेंटी फोर आएगा सेवन पाई बाई ट्वेंटी फोर, और सेवन पाई बाई ट्वेंटी फोर चलेगा। पाई को अगर मैं माइनस करूंगा तो आएगा फाइव पाई बाई ट्वेंटी फोर, ये भी चलेगा, और ये पाई बाई टू प्लस प्लस वाला बाहर चला जाएगा, माइनस वाला चलेगा। बोलो यस सर। तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी हाउ मच? नाइन नाइन। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, समझ में आ गया होगा? यस सर। अगला क्वेश्चन सर, एक बार जहाँ पे साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा था उसके बाद एक बार बता दीजिए। एक सेकेंड, यहाँ तक ठीक था? यस सर। यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर आने के बाद हमने क्या करा, इसको उधर ट्रांसपोज कर दिया, तो साइन एट थीटा कॉमन आ गया। ओके सर। तो टू कॉस एट थीटा माइनस वन इज जीरो, तो साइन एट थीटा जीरो होगा या कॉस एट थीटा हाफ होगा। तो साइन थीटा कब जीरो होगा, जब थीटा आपका एन पाई होगा, और ये कब जीरो होगा, जब कॉस एट थीटा, जब कॉस ये कॉस पाई बाई थ्री पर होगा। जनरल सॉल्यूशन वाला मेथड ना, कॉस एट थीटा इज हाफ, तो कॉस एट थीटा इज कॉस पाई बाई थ्री। तो यहाँ से आया थीटा इज एन पाई बाई एट और थीटा इज ये, फिर इन दोनों में वैल्यू पुट कर करके इस इंटरवल के बीच के आंसर निकाल लिए। ओके, थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा, जस्ट राइट इट डाउन। सर थोड़ा ऊपर कर दिए फोटो दे। अच्छा ठीक, ओके सर। हो गया हो तो अगला क्वेश्चन लिखूं? यस सर। यस सर। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मॉड कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स when x belongs to 0 to 4 pi. Number of solution. Thank you.
फोर चार सॉल्यूशन आएंगे इसके टोटल, बिल्कुल ठीक है, फोर सॉल्यूशन आएंगे। हो गया नो सर। देखो इसके दो रास्ते दिख रहे हैं मुझे, पहले मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया जीरो से फोर पाई, ये जीरो से टू पाई बना, ये जीरो से फोर पाई साइन एक्स का ग्राफ बन गया, सही है। अब मैं कॉस का बना रहा हूँ, ये cos x का ग्राफ है, तो अगर मैं मॉड cos x का ग्राफ लूंगा तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना ये ऊपर आ जाएगा लाइक दिस, ये वाला मॉड किसी का भी मॉड करते हैं, तो ये जो मैंने अब दूसरा पेन चेंज करा है ना ये वाला पोर्शन आपका मॉड cos x का ग्राफ हो गया। और ये थोड़ा मैंने गलत कर दिया, ये ऐसे बनना था, है ना। तो देखो कितने बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो चार सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे अगर मैं ग्राफ से भी देखूं तो। यस सर, साइन एक्स का ग्राफ बनाया और मॉड कॉस एक्स का ग्राफ बनाया, बट फिलहाल हम ग्राफ की बात नहीं करते हैं, हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर कॉस एक्स आपका पॉजिटिव है, तो अगर कॉस एक्स पॉजिटिव है उस केस में कॉस एक्स बराबर साइन एक्स यानी कि टेन एक्स बराबर वन के सॉल्यूशन बोलो। अगर cos x पॉजिटिव है तो cos x बराबर sin x यानी कि tan x बराबर 1 हो गया है नहीं हो गया। यस सर, और tan x 1 कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और थर्ड में, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना है कि cos x पॉजिटिव है तो सिर्फ फर्स्ट में होगा या नहीं होगा। यस सर, यस सर। तो 0 से 2 पाई के बीच की बात हो रही है तो एक सॉल्यूशन आ गया, तो ऐसे ही एक और ले लूंगा 2 पाई से 4 पाई तो एक और सॉल्यूशन आ जाएगा, तो दो सॉल्यूशन आएंगे या नहीं आएंगे। सर एक बार वापस बता दो। देखो cos x जब पॉजिटिव है तो cos x बराबर sin x यानी कि tan x इज 1। यस सर, और tan x 1 होगा पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन थर्ड में cos x पॉजिटिव नहीं होता इसलिए थर्ड की बात खत्म हो जाएगी, तो यानी कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, दैट इज पाई बाई 4 0 से 2 पाई के बीच में, लेकिन 0 से 4 पाई के बीच में बात करूंगा तो एक और सॉल्यूशन आ जाएगा 9 पाई बाई 4, आएगा या नहीं आएगा। यस सर, यस सर। अब जब मैं दूसरी बात करूंगा सेकेंड, तो सेकेंड का मतलब क्या हुआ, सेकेंड का मतलब हुआ कि जब cos x नेगेटिव, तो cos x जब नेगेटिव होगा तो ये माइनस cos x बराबर sin x यानी कि tan x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। बोलो। यस। अच्छा अब जब बेटा cos x नेगेटिव होगा तो मॉड ऑफ cos x बराबर माइनस cos x होगा। यस सर, यस हो गया, हो गया। तो माइनस tan x बराबर 1 तो tan x माइनस 1, अब tan x नेगेटिव इन दोनों क्वाड्रेंट में होता है। यस सर, लेकिन cos x नेगेटिव है तो बस यही वाला क्वाड्रेंट बचा कि नहीं बचा। यस सर, x हो गया 3 पाई बाई 4 0 से 2 पाई के बीच, लेकिन हमें 0 से 4 पाई तक जाना है, तो देखो 0 से 2 पाई फिर 0 से 4 पाई तो एक और सॉल्यूशन आएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 4 यानी कि 11 पाई बाई 4, दिख रहा है। Yes. तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 4 आएंगे। अब यहाँ से भी चेक करते हैं, देखो एक तो आ गया ये पाई बाई 4, दिख रहा है पाई बाई 4 ही है, ये 3 पाई बाई 4, देखो ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन, ये 9 पाई बाई 4,
9 पाई बाई 4 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन, देखो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, और ये 11 पाई बाई 4 देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट का फिर से आ गया, चारों सॉल्यूशन साफ साफ दिख रहे हैं नहीं? यस सर। सर 10x माइनस 1 है, उसके बाद एक और बता दीजिए। 10x माइनस 1 कब होता है? सेकंड में और फोर्थ में। फोर्थ इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बात हो रही थी cos x नेगेटिव की, तो थर्ड ही लेंगे, तो थर्ड में आ जाएगा सॉल्यूशन 3 पाई बाई 4। तो एक सर्किल में सॉल्यूशन आ गया 3 पाई बाई 4, एक और सर्किल ले लेंगे 3 पाई माइनस 3 पाई बाई 4, तो दो आ गए ना। यस सर, क्योंकि हमें 0 से 4 पाई तक का देखना है ना। बात समझ में आई है नहीं? दूसरा सर लास्ट कैसे निकाला, लास्ट सॉल्यूशन किस तरह? देखो पहले 3 पाई बाई 4 था, 10x का माइनस 1, cos x नेगेटिव है, cos x नेगेटिव वाला, तो एक देखो 0 से लेकर 2 पाई तक देखो, एक सर्किल में देखो, तो cos x नेगेटिव यहां होगा या यहां होगा? सॉरी cos x नेगेटिव यहां होगा या यहां होगा? लेकिन 10x नेगेटिव तो यही होगा ना, कॉमन तो यही वाला क्वाड्रेंट आएगा। यस सर। तो 10x माइनस 1 होगा आपका पाई माइनस पाई बाई 4 पर होगा। यस सर। तो ये तो हो गया 0 से 2 पाई तक, अब 2 पाई के बाद 3 पाई 4 पाई, हमें तो 4 पाई जाना है, तो एक बार और सॉल्यूशन आएगा तो वो आएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 4। यस सर हो गया, तो मैं माइनस 3 पाई। ओके सर हो गया, ठीक है ना। तो ये इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये पहले टाइप के क्वेश्चन थे, तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन मतलब सिंपल तुम्हें सॉल्यूशन करना है, इक्वेशन लगानी है, जनरल या जो भी सॉल्यूशन पूछा है वो बताना है, दैट्स इट, उसमें कोई खास बात है नहीं। जो फर्स्ट टाइप के सॉल्यूशन होंगे उसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है? ओके सर। यस सर, ठीक है। और सर जैसे हमें पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन आई थी साइन 8 थीटा इज इक्वल टू साइन 16 थीटा, तो हम उसमें 8 थीटा को टी ले लेते बेटा, वैसे भी कर सकते हो, तो मैंने वैसे ग्राफ बना देते बिल्कुल फिर मैं कर देता हूं। मैंने कुछ ऐसा करा था, याद है? यस। हमने कौन से वाले मेथड से करा था उसी से देख लो, उसके दूसरा मैं बता देता हूँ कौन सा मेथड करा था हमने, बताओ। हमने यही तो करा था शायद, 16 थीटा इधर लेके यहाँ 8 थीटा करके, यही करा था क्या? सर हमने 16 थीटा को उसमें कन्वर्ट कर दिया था, 2 sin 8 थीटा 2 cos 8। अच्छा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर हम नहीं भी कन्वर्ट करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी तुम कर सकते हो, ये sin 8 थीटा आ गया, तुम चाहो तो इसको ऐसा भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घूम फिर के वही आंसर आएगा। फिर एक बार n को पॉजिटिव रख के थीटा निकाल लेना, एक बार n को नेगेटिव रख के निकाल लेना, थीटा की दो वैल्यू आ जाएंगी, उनसे फिर इंटरवल में सॉल्यूशन निकाल लेना, इट विल कम आउट टू बी द सेम। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस। जिसने डाउट पूछा था बेटा, आपका डाउट क्लियर है? यस सर। सर पर मैंने बोला था कि साइन टी और साइन टू टी का हम ग्राफ बना देते, जैसे साइन टू टी का पीरियड पाई होता है और साइन टी का 2 पाई, तो हम 4 पाई तक का ग्राफ बना देते और 9 सॉल्यूशन आ जाते, क्योंकि बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है, इट्स वेरी गुड। ओके सर, अब आ जाते हैं हम सेकेंड टाइप पे। फर्स्ट टाइप वी हैव डन, सेकेंड टाइप होगा आपका इस फॉर्म का, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c।
अगर ये फॉर्मेट आएगा तो तुम्हें जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो ही करना है, डिवाइड बोथ साइड ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका, साइन एक्स प्लस रूट थ्री कॉस एक्स इक्वल टू रूट टू, करो इसको ट्राई करो जो मैंने मेथड बताया ना, देखो यही वही फॉर्मेट है या नहीं है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाली। यस सर। सर 2n पाई प्लस पाई बाय 12 और 2n पाई माइनस पाई बाय 12। सर 2n पाई प्लस पाई बाय 12 बाय 12 और 2n पाई माइनस पाई बाय 12। बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सबका हो गया, किसी को डाउट? नो सर। सर एक बार बता दीजिए। ठीक है बताता हूँ, पहले इसको रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है 1, बी क्या है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर, तो इसको रूट 4 यानी कि 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 1 बाई 2 साइन एक्स प्लस रूट 3 बाई 2 कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2 आ गया, सही है? यस सर। अब तुम चाहो तो साइन में कन्वर्ट करो, चाहो तो कॉस में कन्वर्ट करो, बेटर है कॉस में कन्वर्ट करना, तो ये हो गया साइन एक्स साइन 30, क्योंकि कॉस में वो पावर वाला पंगा नहीं आता ना, माइनस वन टू दी पावर एन टाइप। कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाई सिक्स इज कॉस पाई बाई 4। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी बराबर एक्स इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, तो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 6 प्लस माइनस पाई बाई 4, तो यहां से आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 2n पाई, जब हम प्लस वाला लेंगे तो कितना आएगा 12 2 पाई, देखो 3 हां सर 5 पाई बाई 12 हां, और जब माइनस लेंगे तो सर पाई बाई 12 ऐसा क्वेश्चन हमेशा हमेशा ऐसे ही करना है, ठीक है? ये सेकेंड टाइम चल रहा है, यू हैव डन। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, ओके सर, वहां पर सर cos x माइनस पाई बाई 6 कैसा है? कौन से वाला? सर cos ब्रैकेट में x माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू cos पाई बाई 4। तुम बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये किसका फॉर्मूला है? cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a माइनस b, ओके सर। ठीक है। यस सर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sec x प्लस tan x इक्वल्स टू रूट 3 वेयर x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 3 पाई। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन वेयर x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 3 पाई। कब तक? ओके
सर थ्री सॉल्यूशंस है। हाँ थ्री सॉल्यूशंस आएंगे। वेरी गुड। ठीक है ठीक है। गो अहेड। अभी किसी को डाउट हो तो बताओ। यस सर है डाउट। ठीक है, इसका मतलब मैं कर दूं सॉल्व एक बार, देख लेना, चेक कर लेना, है ना। ये ऐसा आया, फाइनली साइन और कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा। यस सर। तो इसको रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 से डिवाइड कर दो। ये 2 से डिवाइड हो गया। कॉस एक्स कॉस 30 माइनस साइन एक्स साइन 30। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी तो ये हो गया आपका एक्स प्लस पाई बाई सिक्स इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो x इक्वल्स टू कितना, जब ये प्लस 60 लेंगे और ये प्लस 30 है तो उधर प्लस 30 बन जाएगा पाई बाई 6 और x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। अब n की वैल्यू पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे पाई बाई 6 आएगा, 1 पुट करूंगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6 13 पाई बाई 6 आएगा, 2 पुट करूंगा बाहर चला जाएगा, n को 0 पुट करेंगे नेगेटिव में आएगा, 1 पुट करेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 आ जाएगा और 2 पुट करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 आ जाएगा। ऐसे ही चलेगा या नहीं बताओ सब लोग। yes, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे बताओ। n को 0 पुट करा पाई बाई 6, 1 पुट करा, 2 पुट करा, मेरे ख्याल से तो 2 ही होंगे। सर 2 होंगे क्योंकि 3 पाई बाई 2 एक्सक्लूड हो जाएगा। वो एक्सक्लूड इसलिए हो जाएगा क्योंकि n और sec वहां पर अनडिफाइंड होते हैं। यस सर। समझ में आ गया। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ cos x इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 प्लस sin x when x lies between 0 to 3 pi. cos x equals to mod of 1 plus sin x when x lies between 0 to 3 pi. number of solutions nikal rahe hain.
ठीक है इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बेटा तीन आ रहे हैं तीन तो जीरो थ्री पाई बाई टू और टू पाई वेरी गुड बिल्कुल करेक्ट है सही है इसमें क्या होगा मॉड साइन तो एज इट इज हट जाएगा क्योंकि वन प्लस साइन एक्स तो इन एनी केस पॉजिटिव ही रहेगा है ना यस सर तो बस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू वन को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर भी वन बाई रूट टू यहाँ भी वन बाई रूट टू यहाँ भी वन बाई रूट टू तो इट विल बिकम कॉस ऑफ एक्स प्लस फाइव बाई फोर इक्वल्स टू कॉस फाइव बाई फोर राइट x प्लस पाई बाई फोर इज टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर तो जब मैं प्लस पाई बाई फोर लूंगा तो x आएगा टू एन पाई जब मैं माइनस लूंगा तो x आएगा माइनस पाई बाई टू तो n को जीरो पुट करेंगे जीरो आएगा वन पुट करेंगे टू पाई आएगा n को जीरो पुट करेंगे नेगेटिव चला जाएगा वन पुट करेंगे तो थ्री पाई बाई टू आएगा बस यही सॉल्यूशन आएंगे इसके आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू सर तो आपने लास्ट में लिखा है x इक्वल टू टू एन पाई कॉमा x इक्वल टू टू एन पाई माइनस माइनस पाई बाय टू सर वो कैसा है जब प्लस साइन लेंगे तो टू एन पाई आ जाएगा पाई बाय फोर कट जाएगा माइनस साइन लेंगे तो माइनस पाई बाय फोर माइनस पाई बाय फोर माइनस पाई बाय टू आ जाएगा ओके सर सर इस क्वेश्चन हमने केस क्यों नहीं बनाए केस वन केस टू कौन से केस सर मॉड था ना हाँ क्वेश्चन में मॉड था इसलिए नहीं बनाए क्योंकि जो मॉड के अंदर वाली वैल्यू है जब पॉजिटिव होती है तो एज इट इज बाहर आती है जब नेगेटिव होती है तो माइनस के साथ बाहर आती है राइट यस सर साइन एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन होगी तो अगर मैं वन ऐड करूंगा साइन एक्स में तो ये जीरो से टू आएगा या नहीं आएगा ओके सर यस सर ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी ना और हमेशा ही पॉजिटिव तो बात ही खत्म हो गई एक और क्वेश्चन फाइंड द इंटरवल ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन के कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स इक्वल्स टू के प्लस वन हैज अ सॉल्यूशन फाइंड द इंटरवल ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन करो वन एंड हाफ आर वन एंड हाफ आर कंटिन्यू Thank you.
हो गया? नहीं, कोई बात नहीं, देखो बताया था मैंने, ये हमारा k लेस देन 4, लेस देन और इक्वल टू 4, k लेस देन और इक्वल टू 4। बहुत बढ़िया, देखो इसकी जो रेंज आएगी वो ये आएगी, अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 9 माइनस अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 9 से प्लस अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 9 तक, है ना? यस सर, सही है ना ऑल ऑफ यू? यस सर। तो बस उसी हिसाब से कर लो इसको, अगर तुम्हें लगता है कि इससे थोड़ी दिक्कत हो रही है तो व्हाट यू कैन डू इज इसको रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 9 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो इट विल बिकम दिस रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 19 समथिंग लाइक दिस साइन एक्स, और यहाँ पर आएगा आपका के प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 9। नाउ व्हाट एवर दिस इज एनी फॉर्मूला से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो मुझे वैल्यू से क्या मतलब है, लेकिन ये पता है कि ये माइनस वन टू वन लाई करता है या इसका मॉड लेस देन इक्वल टू वन लाई करता है, ये पता है? बोलो। यस सर। तो मैं बोल दूंगा कि यार ये जो वैल्यू है ना, ये इसका मॉड करने पर इट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू वन, एंड वंस आई सॉल्व दिस व्हाट आई विल गेट एज रिजल्ट इज क्या ये आ जाएगा हमारा के प्लस वन का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या, k प्लस वन का होल स्क्वायर इज लेस देन k स्क्वायर प्लस 9, बस ये सॉल्व कर लो k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k लेस देन इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 9, तो 4k लेस देन ये आ जाएगा 8, 4k नहीं है 2k है, तो k लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो k बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टिल 4, है ना? सर k प्लस 1 डिवाइड स्क्वायर प्लस 9 1 से छोटा कैसे हो गया k इसके इक्वल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो बना था वो cos a cos b माइनस साइन ए साइन भी बना, तो दैट इज cos ऑफ a प्लस b, तो cos ऑफ a प्लस b व्हाटएवर द एंगल इज cos थीटा माइनस 1 से 1 लाई करता है, और राइट हैंड साइड वाला वैल्यू भी माइनस 1 से 1 लाई करेगा, तो अगर कोई वैल्यू माइनस 1 से 1 लाई कर रही है तो उसका मॉड लेस देन इक्वल टू 1 होएगा। ओके सर, ठीक है, चलो ठीक है सर, एक बार और बताओ क्वेश्चन समझ नहीं, दोबारा बता दो, दोबारा बता दो, पहले बताओ यहाँ तक ठीक है? यस सर। इसको मैं cos a cos b माइनस sin a sin b यानी कि cos ऑफ a प्लस b लिख सकता हूँ? यस सर। तो ये ऐसा हो गया, अब ये क्वेश्चन में ऐसा बन गया, मुझे अल्फा और थीटा की वैल्यू छोड़ दो, एक तो x सही सॉरी x सही और एक अल्फा मान लेते हैं, ठीक है बात खत्म हो गई। ये वैल्यू माइनस वन से वन लाई करेगी? यस सर। तो इसका मॉड वन से छोटा होगा? यस सर। तो ये वैल्यू इसके बराबर है तो इसका मॉड भी तो वन से छोटा होगा? यस सर। सर वन से छोटा होगा, जीरो से बड़ा भी तो होगा? अरे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, मॉड तो हमेशा जीरो से बड़ा होगा ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। जब तुम इधर का सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें कुछ उसका वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, वहीं से आंसर आ जाएगा। सही है, cos a cos b माइनस sin a sin b का आइडेंटिटी कैसे बनाया? हाँ, cos a cos b माइनस sin a sin b समझ नहीं है कैसे आ गया cos a अपॉन में k स्क्वायर प्लस 9, ये cos थीटा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना, तो उसको मैं बोल रहा हूँ cos थीटा होगा, ये कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो cos थीटा तो होगा ही होगा, ये जैसे भी हमने करा था sin x plus root 3 cos x, तो इसको हमने root a square plus b square से डिवाइड करा था, तो ये 1 upon 2 sin x plus root 3 upon 2 cos x। ओके सर, ठीक है ना? यस सर, ठीक है, ये ठीक है, उसको हमने cos थीटा लिख दिया। ओके सर, चलो ठीक है, गुड इवनिंग सर। ओके गुड इवनिंग, ओके गुड इवनिंग।